कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं भी हूँ बढ़िया मस्त। टेंशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये देखो, टेंशन मतलब सेब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आज जो है सेब है, मंडी में लगेगा आज। देखते हैं उसके बाद कैसा कैसा प्राइस मिलेगा हमें सेब का, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। चलो जो भी है वो अपना ही है, जैसा भी मिले। आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, क्योंकि लेट ही उठी हूँ मैं और अक्कू। हम अकेले थे तो कुछ काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं हम इस प्यारे से व्यू के साथ। गाइस, तो आप लोग बने रहिएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे रखा हुआ एक पूरा फिल्टा भर के। तो ये क्यों रखा है भर के मैं बताती हूँ। जो बेस्ट वाला एप्पल है, बड़ा बड़ा एप्पल, ये देखो आप देख सकते हो कितना फ्रेश है, कितना क्लीन है ये एप्पल। ये रखा है मेरे लिए, ये एक ये रखा हुआ है ना, और एक पेटी हमने नीचे जो है शॉप पे छोड़ दी है, पैक करके वो सुबह गाड़ी में डालेंगे। अभी आज दोपहर में इसको बोरी में डाल के हम पैक कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पेटी में नहीं आएगा। और ये अच्छा सुप्रीम क्वालिटी वाला एप्पल है, सुप्रीम क्वालिटी वाला बेस्ट वाला एप्पल, तो ये मैं लेके जाऊंगी। कुछ हमारे दोस्तों को देंगे हम, और कुछ मैं अपने दोस्तों को दूंगी, और किसी ने मुझे बोला है, जिन जिन ने मुझे बोला उनको दूंगी मैं। तो बाकी और एप्पल भी, वो भी मैं आपको दूँगी। कुछ रहा ये वाला एप्पल, ये होता है गोल्डन एप्पल जो येल्लो सा हो जाता है ना बाद में, अभी तो हरा है ना ये फ्रेश जूस वाला, तो अभी ऐसा है। और ये भी कुछ मिक्स करके ले जाऊंगी मैं, इसको भी ले लूँगी। तो गैस ये कद्दू जिस दिन मैं आई थी उस दिन से छोटा जैसा था, आज देखो कितना बड़ा हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे से ना मेरे को फ्रेश कद्दू मिलेंगे, इससे थोड़ा सा बदले, तो मैं कद्दू भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो गैस ये देखो कद्दू जो कि थोड़ा सा पक चुका है, तो ऐसे बहुत सारे कद्दू है जो पके हुए, जिसको ना गाय को काट के देते हैं इसको, मतलब ये काफ़ी पके हुए से, मतलब इसकी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। तो ये देखो ये बड़े बड़े वाले स्पेशल रॉयल कैपर, ये भी मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं भर भर के लेके जा रही हूँ बैग यहाँ से गाइस, अपने मायके से। तो गाइस ये देखो आज पेड़ कितने खाली खाली से लग रहे हैं, जब सेब होते ना तो ऐसे लदे हुए होते हैं। अब ये डंडे से निकाल देंगे। यहाँ पे भी गाइस दो बोरियाँ भर के रखी हुई है, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था ना आपको HPMC वालों को जो देनी है। तो ये ना वो वाला सेब होता है जिसमें बहुत दाग होते हैं ना, वैसे ये भी देखो क्लीन ही है, इसमें भी इतने दाग नहीं, ये देखो साफ़ है। जैसे मंडी में ना ऐसे सेब नहीं लगते ना, उनका अच्छा रेट नहीं मिलता जिसमें ऐसे दाग पड़े हो ना। तो ये HPMC को जाएंगे, इसको यहाँ से शिफ्ट करके अभी हमने डालना है दूसरी बोरी में। बाकी धूप देखो, मौसम देखो गाइस, और ये वाला पेड़ देखो सड़ गया है पूरा ही, बट सेब इसमें इतने अच्छे थे ना, और ख़त्म ही, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ये, बीच से छेद पड़ गया इसमें, एक से बचा हुआ बस, इसको देखे। आ जाओ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप गाइस। ये देखो इसकी सुबह भी होगी, और अगर इसको थोड़ा सा ऐसे प्यार करो ना तो इतना प्यार दिखाता है ये, इतना प्यार दिखाता है ये। यहाँ देखो आपको छोड़ेगा नहीं प्यार करने से। आजा, ब्रेकफास्ट किया आपने? अभी नहीं किया ना, चलो अब ब्रेकफास्ट करो अंदर चल के, चलो। तो गाइस अब इसका ब्रेकफास्ट होता है, बाकी आप देख सकते हो कितना तगड़ा है, फला फूला हमारा फला फूला बच्चा। चलो आगे चलो, ठुमक करके चलो। मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम, मतलब शादी से पहले जहाँ हम, जो मेरा रूम होता था, मेरा और मेरी छोटी बहन का, सिस्टर का। तो गाइस ये देखो, ये है हमारा रूम जो शादी से पहले होता था। ये देखो इसको, ये ना बंद था रूम तो मैंने अभी खोला। और यहाँ पे इस रूम में जो है वो मेरी छोटी वाली बहन आती, जब उनकी फैमिली आती ना तो वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो यहाँ से सारा साफ़ सुथरा करके गई। और ये पारी है गंद, चलो यहाँ से चलते बाहर। आ जाओ बाहर चलते हैं। तो गाइस ये रही मैं बिना हाथ मुंह धोए। आ जा चलिए, आ जाओ। तो गाइस ये है मेरा टेडी, जो कि मुझे किसने दिया था ये मुझे
पापा दे। हाँ जी आपके पापा नहीं, मेरे पापा नहीं दिए, ओ सॉरी आपके पापा ने दिया, सॉरी। तो गाइस ये डैडी मुझे अक्कू के पापा ने दिए थे, यानी कि मेरे पति देव जी ने। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम बाहर। तो ये रूम मैंने आपको दिखाया, देखो आप बताना कैसा है ये रूम। छुटकू सा हमारे को बड़ा प्यारा लगता है, छुटकू सा रूम है पर हमारे को बड़ा प्यारा लगता है। ये मेरी छोटी सिस्टर ने बनाए हुए हैं, उसको बड़ा शौक है ये ऐसे ऐसे बनाने का ना, वो बनाती रहती है। चलो आ जाओ बाहर, चलो बाहर। नहीं नहीं छोटू मासी ने सफाई की हुई है, यहाँ से बाहर चलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बज रहे हैं 12 और हम यहाँ पे खा रहे हैं परांठे। मैंने अक्कू के लिए ना परांठा बनाया। कहाँ बटरफ्लाई, बाहर है, बाहर थी बटरफ्लाई, अभी गई बाहर बटरफ्लाई थी। आ जाओ, तो इसने कहा कि मम्मा परांठा खाना है, तो फिर ये ना ये पत्थर से लेके आई थी, दिखाओ दो बोला 3-5 दो मुझे। तो मैं इसको बता रही थी बचपन में हम ना इससे गेम खेलते थे, आप लोगों ने खेली होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर खेली तो इसको ज़रूर बताना कि क्या बोल रहे थे। परांठा कैसा बना? आज का लंच हमारा खिचड़ी प्लस देसी घी, हम कर रहे हैं इंजॉय। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो पति देव जी भी पहुंच गए और पापा भी पहुंच गए, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो गए थे कल शिमला, तो फाइनली अभी हो चुके वापस। तो यहाँ देखो हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाए, तो ये एक एक करके ना मैं पैकेट यहाँ पे खोल रही थी और प्लेट्स वगैरह लगा के सब रेडी हो गए थे खाने के लिए। तो ये चटनी का पूरा इतना बड़ा थैला सा था, तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने निकाली वो थी गाइस नूडल्स चाउमीन, और इतने टेस्टी थे ये ना। अक्कू के फेवरेट है हमारे, अक्कू के फेवरेट जो ज़्यादा आए वो सिड्डू गाइस, ये सिड्डू हिमाचल की जो एक डिश होती है ना ट्रेडिशनल डिश है और फेमस भी है, वो है सिड्डू। तो ये इतनी रूई की तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट थे ना, और मतलब इसको खाने में जो मज़ा आ रहा था ना, वो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे को मतलब मुंह में पानी आ गया गाइस। और उसके बाद था ये मोमोज, मोमोज भी काफ़ी टेस्टी थे। और मोमोज के बाद जो था वो था जी गाइस ये पेस्ट्री, और पेस्ट्री तो उल्टी फुल्टी हो गई थी डब्बे में, और इसके बाद ना इसका कुछ पता नहीं चल रहा था कौन से फ्लेवर की है गाइस, बट सब कुछ अच्छा था। तो गाइस आज डिनर में बन रहा है मटर पनीर, और इसके साथ आज का ब्लॉग भी मैं कर रही हूँ एंड। मिलती हूँ अब कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।